नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy A72 versus Realme GT 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Samsung Galaxy A72 में 6.5 इंच जबकि GT 5G में 6.24 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Samsung Galaxy A72 से कम है। विड्थ की बात करें तो Samsung Galaxy A72 में 3.05 इंच जबकि GT 5G में 2.89 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Samsung Galaxy A72 से कम है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Samsung Galaxy A72 में 203 ग्राम जबकि GT 5G में 186 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Samsung Galaxy A72 में FHD जोर सम्मल जबकि GT 5G में सुपर AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Samsung Galaxy A72 में 6.7 इंच जबकि GT 5G में 6.43 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Samsung Galaxy A72 में 84.86% जबकि GT 5G में 85.92% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Samsung Galaxy A72 में 393 पिक्सेल प्रति इंच जबकि GT 5G में 409 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Samsung Galaxy A72 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और GT 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Samsung Galaxy A72 में 3 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और GT 5G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Samsung Galaxy A72 में Adreno 618 जबकि GT 5G में Adreno 660 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Samsung Galaxy A72 में Qualcomm Snapdragon 720G और GT 5G में Qualcomm Snapdragon 888 मिलता है। बात करें RAM की तो Samsung Galaxy A72 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 8GB की RAM मिलती है जबकि GT 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Samsung Galaxy A72 में अप टू 1TB जबकि GT 5G में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Samsung Galaxy A72 में 5000 mAh जबकि GT 5G में 4500 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Samsung Galaxy A72 में 4 कलर्स जबकि GT 5G में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
सैमसंग गैलेक्सी A72 में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 34,999 रुपीस, 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 33,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें GT5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 37,999 रुपीस, 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 41,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो सैमसंग गैलेक्सी A72 में 4 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें रियलमी GT5G की तो उसमें 5 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में GT5G आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में GT5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी M51 है, जो कि 18,149 रुपए में मिलता है। दूसरा सैमसंग गैलेक्सी A52 है, जो कि 23,499 रुपए में मिलता है। तीसरा सैमसंग गैलेक्सी S20 पे है, जो कि 37,990 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी F62 है, जो कि 22,399 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।